Good morning students, today this is video 3. Today we are going to start our exercise 3B और exercise 3B जो है वो multiplication और decimal पे based है. जो इसके rules थे वो हमने अपने video 2 में discuss कर लिए थे और जैसे हम यहाँ questions को करेंगे तो हमें उन सारे rules को दोबारा से जो है वो recall करना है. तो हम start करते हैं question number 1 से. अपनी exercise जो है वो आपको page number 50 पे मिल जाएगी आपकी textbook के अंदर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है दो आपको गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है. और जैसे हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसके अंदर हमें एक डेसिमल नंबर दे रखा है और दूसरा हमारा होल नंबर है. तो जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर डेसिमल हो उसको पहले ऐसे होल नंबर ट्रीट करना है और फिर हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है. और जब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो फिर हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होता है. तो 2309 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 63 एंड ये 6161 हो गया एंड देन इसको 92 जा 18 एंड दिस 633 जा 4 22 जा 4 ये 3 एंड ये दिस इज 14 3 2 6 2 तो 62343 आ रहा है. अब हमारा फाइनल जो है वो हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है. तो फाइनल डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे. डेसिमल पॉइंट के बाद में दो डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पीछे से दो डिजिट काउंट करके डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे. इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, किस तरीके से डेसिमल पॉइंट लगाना होता है. जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 241.3 into 3.8. जैसे हमारा रूल है हमें क्या करना है कि दोनों नंबर को एज ए होल नंबर ट्रीट करना है और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है. 8 is 24, ये दिस इज 10, 8 4 are 32 and 33, 8 2 are 16 and this is 19. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 3 2 and 7 और प्लस करने के बाद में आ गया 4, ये 0 है तो ये 9 आ जाएगा. ये 6 11 एंड दिस इज 9. तो 91694 आ रहा है. अब हमारी रिक्वायरमेंट के हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है. यहाँ पर हमारे डेसिमल प्लेस वैल्यू है 1, यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस वैल्यू 1, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो पीछे से आपको दो डिजिट काउंट करने और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. तो इस तरीके से हम जो है अपने क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके और पार्ट सी डी ई एफ आप कर सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जाना है जिसके अंदर जैसे हमने एक दूसरा रूल मल्टीप्लिकेशन का देखा था कि किस तरीके से हम 110,000 से मल्टीप्लाई करते हैं. उसके अंदर हमें बेसिकली जो है डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करना होता है. तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको प्रोडक्ट ही निकालना है लेकिन उसमें उन्होंने ब्लैंक स्पेस दे रखी है तो आप इसको डायरेक्ट अपना बुक के अंदर भी कर सकते हो. अगर इसके अंदर दो जीरोज़ हैं तो हमें राइट में जो डेसिमल पॉइंट है उसको दो प्लेस वैल्यू पे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा. तो आप इसको पहले इस तरीके से लिखें, यहाँ पर डेसिमल था तो 1 and 2, तो अगर यहाँ से अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 1 and 2 हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 870. इसी तरीके से हमने बी क्वेश्चन भी ले लिया 3.756 into 10. इसमें हमें कुछ नहीं करना है, डेसिमल को एक राइट में एक प्लेस तक क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो है तो एक मूव देना है तो ये हो जाएगा 37.56. सिमिलरली 37.52 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हमें दो राइट में दो मूव लेने हैं तो ये हो जाएगा 3752. इसी तरीके से 40.07 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें सिर्फ आपको एक मूव देना है तो ये हो जाएगा 400.7. तो जब हम किसी भी डेसिमल को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वाले बहुत इजी होता है, सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट को जो है वो राइट में 1, 2 या 3 प्लेस तक मूव करना होता है. उसके बाद हमें जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर हमें बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि क्योंकि बेसिकली इन्होंने 20456 को 11 से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 225016. दिस इज़ द गिवन वैल्यू और इसके हमारे पास में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसका हमें आंसर निकालना है. इसके लिए हम इस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे 20.456 into 11. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आपको आंसर हमेशा वही रहेगा
225016, लेकिन यहाँ पर क्योंकि थ्री डेसिमल प्लेसेस हैं तो यहाँ से आप थ्री डिजिट को काउंट करके यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसी तरीके से बी में अगर हम चाहते हैं तो 2.056 इनटू 1.1 है, तो हमारा आंसर वही रहेगा 225016। आप आंसर लिखें, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 फोर डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर ओनली वन डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 4 को और 1 को प्लस करना पड़ेगा। फिर आप पीछे से काउंट करोगे, यानी 4 + 1 = 5 हो गया, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमारा आंसर ऑलरेडी दे रखा होता है, सिर्फ हमें डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है एंड देन हमें डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। तो बेटर है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है हमको क्या बोला गया है, बिकॉज यहाँ से हमारे पास में 5 जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 34.75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 25 बुक्स। अगर हमें एक कॉस्ट ऑफ वन बुक दे रखी है, ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल टू 34.75, तो नेचुरली अगर आपको 25 बुक्स की निकालनी है, 25 बुक्स की कॉस्ट अगर आपको निकालनी है, तो 34.75 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमें मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, एज ए होल नंबर ट्रीट करना है। तो हम यहाँ पर 3475 और यहाँ पे 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 573 एंड 7, और यहाँ पे 5 2 10 एंड दिस इज़ 5, दिस इज़ 9, दिस इज़ 6, और इसको प्लस करेंगे तो ये 7 8 9 और 7 16, ये हो जाएगा 768.75। ओके, यहाँ पे हमारे पास 1 और आने वाला था, तो ये जिसकी वजह से हमारा हो जाएगा 868.75। तो आपको फाइनल आंसर लिखना है 868.75 रुपीज़। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम ही है। ए कैब कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16.25 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 3.5 लीटर। सेम रहेगा, अगर हमें 1 लीटर में डिस्टेंस दे रखी होती है और अगर हमें 3.5 लीटर में डिस्टेंस निकालनी है, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो ए वर्ड प्रॉब्लम। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो 1 लीटर में जो डिस्टेंस है, 1 लीटर में जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 16.25, और हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस इन 3.5 लीटर्स। तो हम क्या करेंगे, 16.25 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त दोनों को हमें एज ए होल नंबर ट्रीट करना है, यानी कि 1625 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5784, ये हो गया 5, ये 7, देन ये 8, ये 16 और ये, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 5, उसके बाद 56875। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे, हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो 2 और 1 मतलब 2 एंड 1 हमारा 3 डेसिमल प्लेस हो गया, तो यहाँ से आप काउंट करके यहाँ पे जो है 3 डेसिमल प्लेस लगा दोगे, एंड दिस इज़ इक्वल टू 56.875। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 6.25। बेसिकली हमें सिर्फ एरिया निकालना है और हमें एक साइड दे रखी है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो हमने एक सिंपल सा अपने रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लिया, ये 6.25 है, ये 6.25 मीटर है, और अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है तो एरिया हमारा होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड की वैल्यू रखेंगे, 6.25 को 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 6.25 और 6.25 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 390625, ठीक है। अब यहाँ पर आप काउंट करो, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो पीछे से हमें 4 डिजिट लेने हैं और फिर डेसिमल पॉइंट को इंसर्ट करना है,
तो जो हमारी ज़्यादा हमें ध्यान किस में रखना होता है, डेसिमल पॉइंट को लगाने में। बाकी कैलकुलेशन तो हमारी नॉर्मल जो है, जैसे हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा ही है। फाइंड द, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15.1 केजी राइस इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस इज़ 24.25 रुपीज़। यानी कि हमें 1 केजी राइस की प्राइस दे रखी है, वो दे रखी है हमको 24.25, और हमें क्या करना है, 15.1 केजी राइस की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 24.25 को 15.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमको क्या करना है, वापस एज ए होल नंबर ट्रीट करना है। तो इसको होल नंबर ट्रीट करके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 366175। अब हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 1 है, तो टोटल 3 हो जाएंगे। तो आप पीछे से जो है 3 डिजिट्स को काउंट करोगे और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है इंसर्ट करोगे। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3B जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, मतलब जो नेक्स्ट है वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, उसके अंदर हमें डेसिमल ऑफ डिविजन्स पढ़ना है। तो बेसिकली जो हमारे डेसिमल्स ऑफ डिविजन है, इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिवाइज़र होता है उसको पहले होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल जो होता है कि होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हम नॉर्मल जो है डिवीजन करते हैं, और जो हमारा डिविडेंड है उसमें कितने डिजिट्स के बाद में कितने डेसिमल प्लेसेस पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के अंदर हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। इसी और जो हमारा नेक्स्ट इसमें डिवीजन होगा वो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 and 1000 होगा। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है राइट में डेसिमल पॉइंट को मूव किया था, यहाँ पर हमें 10, 100 या 1000 से जब डिवाइड करना है तो उसको हम डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे। सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ऑलमोस्ट थोड़ा मिलता जुलता ही है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वीडियो 4 के अंदर, उसके अंदर हम क्वेश्चंस करने के बाद और ढंग से समझेंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।